गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में सब अच्छे होंगे। हम लोगों का सडनली प्रोग्राम बना है गो प्रो कैमरे का। उसका यूट्यूब पे हमने व्यूज़ देखे हैं, बहुत बढ़िया है। गो प्रो 11 अब शॉप पे निकल चुके हैं हम लोग। हम जा रहे हैं अजमेरी गेट रायसर प्लाजा के पास में, क्योंकि आज संडे है तो सभी शॉप ऑलमोस्ट बंद मिलेंगी। हमने कंफर्म किया है कि वहाँ पे कुछ शॉप खुली हुई है, सो वहाँ से हम परचेज करेंगे, बने रहिएगा। हम पानीपेच पहुँच चुके हैं, आज संडे है, ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि सभी ऑफिशियल छुट्टी रहती है। अर्जेंट वर्क के लिए ही लोग वहाँ निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल खाली है और झोटवाड़ा पुलिया का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। और जिस दिन ये बनेगा, हम लोगों को झोटवाड़ा निवासियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगी, ट्रैफिक की भी और समय का उपयोग भी रहेगा। फ्रेंड्स, फाइनली हमने GoPro परचेज कर लिया है। आज संडे है, मार्केट पूरा बंद है, फिर भी हम घर से जब निकले थे, हमें कंफर्म हुआ कि शॉप खुली हुई है, तो एक्साइटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे आए। बट मिल गया, काफ़ी मशक्क़त के बाद में ये मिला और हम घर जाके इसको ओपन करेंगे, कैसा लगा उसका व्यूज़ हम आपको दिखाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, फाइनली मैंने हीरो 11 GoPro ब्लैक परचेज कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस बॉक्स को खोलने जा रहा हूँ, इसके क्या क्या इसमें अवेलेबल है वो अपन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसको यहाँ से खींचना होगा, जिससे इसका बॉक्स खुलेगा। आप देख सकते हैं यहीं से, ये है, इसमें ये है USB केबल और ये इसका इसके लिए स्टैंड के लिए, और ये मेरा GoPro Max, आप देख सकते हैं इसमें सभी में स्टिकर है। अपन ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, और इसमें से इसकी पैकिंग बड़ी शानदार है। एक्चुअली क्या मेरा परचेज करने का रीज़न सबसे बढ़िया ये था कि मेरे व्लॉग क्लियर हों, और इसकी क्लियरिटी काफ़ी व्यूज़ मैंने इसके देखे हैं, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया। और ये वाटरप्रूफ भी है, और इसका जो कैमरा है, इसका कैमरा भी बहुत ही गजब का है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्टैंड के लिए स्पेशली दिया हुआ है, ये अच्छा है, आप स्टैंड में इसको लगा सकते हैं, आपके व्लॉग बना सकते हैं। और इसके साथ में क्या क्या है ये देख लेते हैं अपन। इसके साथ में ये इसकी बैटरी है, ठीक है, ये इसका जब बैटरी लगाएंगे निकालने के लिए ऑलरेडी इसकी ये स्टिकर दिया हुआ है, आप इससे, ये स्टैंड इसका ये है, इसको ये ऐसे लगेगा, एंड ये जो है ये इसकी आप देख सकते हैं, ये इसका स्टैंड हो गया। गाइज, ये है बैटरी ऑप्शन, अपन हम बैटरी को यहाँ, बैटरी से पहले इसमें कार्ड इंसर्ट करेंगे। कार्ड इसमें नहीं आता है, साथ में आपको एक्स्ट्रा परचेज करना होता है। सो मैंने 120 GB का कार्ड लिया है, जिससे मेरे स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें ये 28 GB कार्ड है, इसको आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ये स्पेस दिया हुआ है, ओके। एंड फिर बैटरी इंसर्ट करनी होगी, एंड ये चार्जिंग पॉइंट है, आप USB के साथ में, आप इसमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है,
इसको यहाँ चार्ज कर सकते हैं, और ये मेरा ओके बैटरी इंसर्ट हो गई, कार्ड भी मैंने इसमें लगा दिया है, और अब इसको ऑन करके देखते हैं अपन। आप देख सकते हैं GoPro ये 11 वर्जन है इसकी, अभी सेटअप इंस्टॉल करना बाकी रह गया है, इसको मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये इसकी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इसका सेटअप को कम्प्लीटली करें। गाइस अपना सेटअप इंस्टॉल हो गया है कम्प्लीटली। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि इसको जब आप बैटरी सिम और जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, बट एक विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी इसकी बैटरी हाफ से ज़्यादा हो, अदरवाइज एरर दे देगा। ये मेरे साथ में हो चुका है, आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें। और मोबाइल में GoPro क्विक का एक एप्लीकेशन आप उसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉलेशन के बाद में कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कहेगा, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मेरा आप देख सकते हैं GoPro रेडी हो चुका है, ये है कंप्लीट, ये सेटअप है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने क्या है कई चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप परचेज किया है, और ये एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप है, इसके साथ में बैटरी और चार्जर दोनों साथ में लिया है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और ब्लॉग के लिए, तो ये बैटरी हो सकता है आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो, तो एक्स्ट्रा बैटरी आप कैरी कर सकते हैं, आप परचेज करें। मैंने ट्राईपोड लिया है और ये काफ़ी हैवी है, क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं तो मुझे इससे आसानी रहेगी मैं मेरा कंप्लीट व्लॉग कंप्लीट कर सकूं। और बस फिलहाल तो यही है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ये और नोटिफिकेशन पे ज़रूर टिक करें, जिससे सारे मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं आपको टाइमली मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त रहें।